हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी से कुछ नए तरह के प्रश्न को हल करना सीखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न यह है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मैंने योगफल ज्ञात करना सिखा दिया है, इसका कंसेप्ट बता दिया है, और उसी कंसेप्ट के आधार पर मैं इसको हल करूंगा, लेकिन बहुत ही कम समय में। तो आइए देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे 15 प्राकृत संख्या का योगफल कहा है, इसका मतलब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं, और वह एक से शुरू होता है। तो हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार होगा, है ना, सोन डॉट डॉट, कहां तक 15 कहा है, यानी कि इसमें 15 पदों तक जाएगा, ठीक है। इसका योगफल कितना होगा ये कह रहा है जोड़ने के लिए। तो हमने योगफल ज्ञात करने के लिए SN इक्वल टू, है ना, n बाई टू इंटू, यहां पे मैं लिख देता हूं, SN इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। और एक और बताया था n बाई टू इंटू ए प्लस एल, जब हमें अंतिम पद पता हो तब, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया था, लेकिन इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते समय मेरे पास समय बहुत कम होता है, तो बहुत कम समय में इसको कैसे हल करें। तो इसी फॉर्मूला के सहायता से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया है, जब प्राकृत संख्या दिया रहे, प्राकृत संख्या दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक दो तीन एंड डॉट डॉट एन पदों तक, है ना, एन पदों तक रहे और इसका योग करना रहे, ठीक है। तो पदों तक, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है n इंटू एन प्लस वन और बाई टू, ठीक है, जहां पे n क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पे कितने पदों की बात कहा है, 15 पदों का बात कहा है, यानी कि n यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15, ठीक है, और इसका योगफल हमें ज्ञात कर लेना है, यानी कि योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं, इसके लिए हमारा योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, सिंपल, ठीक है। कोई a निकालने की जरूरत नहीं है, d निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a और d निकाल करके ही ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट थी कि ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये प्राप्त किया गया है, क्लियर। चलिए तो आते हैं इसको, देखिए n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 है, और यहाँ पे n का वैल्यू 15 प्लस 1 रख देने हैं और बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, ये 15 और गुना 15 एक 16 और बटा 2, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, 15 120, मतलब ये प्राकृत संख्याओं को जब 15 पदों तक जोड़ेंगे तो आपका 120 आएगा, ठीक है। तो चलिए ये 120 हमारा सही है या गलत है, इसको मैं सूत्र की सहायता से हल कर लेता हूं, जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं लॉन्ग मेथड से कंसेप्ट के माध्यम से समझाता हूं। देखिए यहां पे आपका ये प्रथम पद है, जिसे आप किस चीज से सूचित करेंगे, ए से, और ए हम आपका हो जाएगा एक, और d की बात करें तो d हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 2 घटाओ 1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास n पता है, n कितना है, 15 पता है, ठीक है। अब हमें SN निकालना है, इसका जो फॉर्मूला है क्या है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, इसी यही है फॉर्मूला हमारा। तो n हमारा कितना है, 15, 15 बटा 2, और यहाँ पे 2 इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू एक है और प्लस एन 15 है घटाओ एक, और डी का वैल्यू आपका है कितना, एक निकला होगा, और इधर से ये बंद हो जाएगा, 15 बटा 2, ठीक है, और ये हमारा निकल के आएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 एक, तो ये 2 हो जाएगा, आप प्लस इसको घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 14, 14 एकम 14, ठीक है, और इस तरह से ये बंद होगा। अब ये 15 बटा 2 और गुने कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, देखिए ना यही चीज यहाँ पे आया था, 15 गुना 16, यहाँ भी 15 गुना 16 बटा में 2, और ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 बार कटेगा, 15 120, मतलब ये हमारा जो राइट आंसर 120 है वो बिल्कुल एक राइट आंसर है, लेकिन इसमें हमारा ज्यादा समय लगा है और इसमें हमें कम समय लगा है, क्लियर। ये था आपका कंसेप्ट, और यह है आपका ट्रिक या शॉर्ट फॉर्मूला कह सकते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न के लिए इसी तरह से
फॉर्मूला लगाना है, इसी तरह से हल करना है, बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इसे कहा कि प्रथम प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा प्रश्न कहा। तो यहाँ पे प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कहा है, प्राकृत संख्या, और ये जो फॉर्मूला है हमारा प्राकृत संख्या के लिए ही है, क्लियर। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या होगा, 40 है दिया हुआ, ठीक है, और इसका योगफल कहा है, योग है ना, तो योग के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, n इंटू n प्लस 1/2 है ना, n हमारा 40 है तो 40 लगा देना है, और गुना 40 जोड़ 1, यानी कि यहाँ पे 40 रखेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 41, तो मैं डायरेक्ट 41 लिख देता हूँ, 40 गुना 41 बटा 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो जितना पद रहे उसे एक ज्यादा कर देना, 40 गुना 41, इसके हिसाब से वही हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, कोई ना कोई जरूर कट जाएगा आपका, तो ये 20 हो जाएगा, अब 20 से क्या करना है, 41 में गुना कर देना है, तो 41 दुना कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 0 है 0 बैठा देना, 820 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी प्राकृत संख्या से पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप इसी तरीके से आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए अब हम जानेंगे कि सम संख्या दिया हुआ रहे, प्रथम सम संख्याओं का योगफल पूछे तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। पहले प्रश्न देखिए क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग है ना, क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करें कम समय में, फॉर्मूला से तो हल कर सकते हैं, उसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कम समय में इसे कैसे हल करें, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो कम से कम में हम कैसे हल करें, इसी के हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ सम संख्या की जब चर्चा हो तो सम संख्या का मतलब देखिए 10 को कहा, यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एंड सो ऑन, कितने पदों तक, 10 पदों तक है ना, इसको जोड़ना होगा, तो क्या होगा, कैसे हम हल करें। तो जब सम संख्या की बात करें, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट एन तक होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1, क्लियर, जहां पर एन क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे इसमें पद कितने कह रहा है, 10, तो हमको n के जगह पर कितना रख देना है, 10, और यहाँ पे 10 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 10 गुना 11, 11 दहाई 110, इसको जोड़ देंगे तो हम सॉरी गुना कर देंगे तो 110 होगा, मतलब इसके 10 पदों तक जोड़ने पर, जो कि केवल सम संख्या होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए प्रथम, ठीक है, तो उसको योग हमारा कितना हो जाएगा, 110। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपसे कहे कि प्रथम प्रथम 120 सम संख्याओं का योग, तो भी क्या करना है, इसी तरीका से हल करने हैं। क्या है हमारे पास, n 120 है, क्लियर, sn इक्वल टू हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये वाला, क्योंकि सम संख्या है तो n इंटू एन प्लस 1, मतलब साफ है n आपका 120 है, और गुना 1 ऐड कर दिया जाएगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है। 121 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 0 का 0 आप लिख दीजिए, 12 एकम 12 हासिल आपका 1, 12 दुना 24, 25 के 5 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14, यानी कि 14,510 आपके राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब बात आती है कि ये तो सम संख्या वाला हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, अगर विषम संख्या रहेगा तो कैसे हल करेंगे, तो वो भी देखिए। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले, मान लीजिए कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है, जो इसका कैसा हो सकता है, विषम कहा है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन डॉट डॉट, 15 पदों तक कहा है, इसमें पदों की संख्या कितनी हो गया, 15 पदों तक इसको जोड़ना है,
इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, एकदम वेरी सिंपल है। अगर विषम संख्या है तो देखिए एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस डॉट डॉट एन तक, एन क्या है यहाँ पे विषम संख्या, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला एन स्क्वायर। सबसे आसान क्या करना है, सीधा एन स्क्वायर जितना दिया हुआ वो, यानी कि इसका योग निकालना होगा ना एस एन बराबर, सीधा एन स्क्वायर कर देना है। एन हमारा कौन है, 15 है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 पद तक जोड़ेंगे आपका 225 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक और एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। अगर आपसे कह दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तब क्या होगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। क्या मैंने बताया, एन स्क्वायर लगा देना है जब भी विषम संख्या की बात करें, ठीक है। यहाँ पे प्रथम 25 विषम संख्या की बात करें तो सीधा सा जितना कह रहा है, जितने पद की संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि इसका योग की बात करें, योगफल है ना को ऐसे सूचित करते हैं, ये हमारा एन स्क्वायर होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, यानी कि एन का वैल्यू हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको कंसेप्ट और ट्रिक बताया वो आसानी से समझ में आ गया होगा, और साथ ही इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।